Hello friend, this is our next tutorial related to subject data structure. आज का topic है हमारा arrays. ये बहुत important है तुम्हारा exam purpose से, किसी कोई भी language से related. जैसे हम C की बात करें, C के लिए भी important है, data structure में तो है ही. उसके अलावा Java, उसके अलावा और भी कोई सी भी language हम पढ़ेंगे तो उन सब के लिए ये important है. तो इसमें सबसे पहले हम array को define करेंगे. Array actual में होता क्या है? तो array, an array can be defined as the infinite collection of homogeneous element. Homogeneous का मतलब होता है similar type. Same type के जब data, बहुत सारे data collect होते हैं तो बनता हमारा एक array. जैसे हम एक example की बात करेंगे इसमें, अगर एक example की बात करें, हम array की define करेंगे, तो array क्या होता है हमारा? जैसे हमने कोई array define किया, ये 10, तो ये 10 element similar होंगे, 1, 2, 3, 4, up to कहाँ तक जाएगा ये 10 वैल्यू तक. ये सारे इंटीजर वैल्यू हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एरे जो है वो होमोजीनियस सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है. दूसरा सेकंड पॉइंट है, एरे आज ऑलवेज स्टोर इन अ कॉन्जिगेटिव मेमोरी लोकेशन. मतलब एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर डेटा हमारा स्टोर होता है. जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, तो इसमें मेमोरी की जीरो लोकेशन पर जो स्टोर होगा वो 1 होगा. ए का जो इंडेक्स वैल्यू है 1, वहाँ पर वैल्यू जो होगी वो हमारी 2 वैल्यू स्टोर होगी. ऐसे हम ए के इंडेक्स की बात करें 2 पे, वो वैल्यू होगी 3. ऐसे ये चलता रहेगा और लास्ट ए 9 इंडेक्स पे जो वैल्यू हमारी स्टोर होगी वो 10 हो जाएगी. तो स्पेसिफिक पोजीशन पे हमारी वैल्यू जो होती है वो स्टोर होती है मेमोरी लोकेशन में. इसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट है इसमें, एरे कैन बी स्टोर मल्टीपल वैल्यू विच कैन बी रेफरेंस बाय अ सिंगल नेम. मतलब बहुत सारी वैल्यू को हम एक ही रेफरेंस में स्टोर कर सकते हैं. जैसे ए हमने केवल एक रेफरेंस लिया है इसका, मतलब एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर हम 10 वैल्यू को इजीली स्टोर कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ एरे. एरे के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला है सिंगल डायमेंशन एरे है, दूसरा है मल्टी डायमेंशन एरे. सिंगल डायमेंशन एरे को हम सिंपल 1D एरे भी बोल सकते हैं, 1D भी बोल सकते हैं. ये मेनली काहे के लिए यूज होता है? इट इज़ यूज ओनली वन सबस्क्रिप्ट टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ एरे. ये जो होता है केवल एक सबस्क्रिप्ट को यूज करता है. सबस्क्रिप्ट का मतलब है या तो ये एक रो को डिफाइन करेगा या ये एक कॉलम को डिफाइन करता है. या तो ये रो को डिफाइन करेगा या एक कॉलम को ये डिफाइन करता है. इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इसका डिक्लेयर कैसे करते हैं हम इस एरे को. सबसे पहले हमारा एक डेटा टाइप, ये कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, करेक्टर, कुछ भी. उसके बाद वेरिएबल का नेम यूजर डिफाइन है, यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकता है. उसके बाद एक्सप्रेशन है, जितने हमें उसका साइज जितना देना है. एक्सप्रेशन का मतलब होता है साइज, एरे का साइज कितना देना है. तो जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया इंटीजर नंबर 10, मतलब हमने नम नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 10 उसके साइज दिया है. सेम ऐसी नेक्स्ट है हमें करेक्टर लिया है, डेटा टाइप करेक्टर लिया है, उसके अंदर सी लिया है और ये 5. इसका मतलब 5 एलिमेंट जो होंगे वो करेक्टर वैल्यू होंगे. इसके बाद नेक्स्ट है हमें इनिशियलाइजेशन 1D एरे. 1D एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं? ये डेटा टाइप हो गया हमारा, वेरिएबल का नेम, एक्सप्रेशन. उसके बाद यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते हैं इसकी वैल्यूज, जो भी वैल्यू हमें उसमें एंटर करानी है. जैसे हमने यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल इंटीजर नम नाम का एक वेरिएबल नेम है इसका 10 इसके एलिमेंट हैं जिसमें हमने 10 एलिमेंट इसमें पास कर दिए 1 से 10 तक. इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर के लिए हमने सेम वही दे रखा है A5 और ये कितने थे 5 एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दिए, 5 करेक्टर वैल्यू. और करेक्टर को हम सिंगल कोट में डिफाइन करते हैं. इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डायमेंशन एरे. मल्टी डायमेंशन एरे जो होता है इसमें मोर देन वन सबस्क्रिप्ट यूज होती है हमारे एरे को डिफाइन करने के लिए. एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट जब हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे. इसमें बहुत सारे सबस्क्रिप्ट हो सकते हैं. इसमें सबसे पहला इसका है 1D एरे. तो मल्टी डायमेंशन के अंदर आता है 2D एरे होता है. इसमें क्या है, इट इज़ यूज टू 2 सबस्क्रिप्ट, यानी ये 2 सबस्क्रिप्ट को यूज करता है. एक होता है हमारा रो वैल्यू के लिए और एक होती है कॉलम. मेनली ये काय के लिए होता है, हमारा मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए होता है. तो वन स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंट रो वैल्यू एंड सेकेंड सबस्क्रिप्ट टू रिप्रेजेंट कॉलम वैल्यू. इट मेनली यूज फॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. ये मेनली काय के लिए होता है, हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे हम अगर डिक्लेरेशन की बात करते हैं इसमें डिक्लेयर 2D एरे, तो सबसे पहले सेम वही है, डेटा टाइप पहले डिफाइन करेंगे हम, उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद कितनी हमें रो देनी है, कितने हमें कॉलम देने हैं. जैसे हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर नंबर 3 और 2, यानी इसका मतलब है इसमें 3 रो होंगी और 2 इसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे, जिनको हम डिफाइन करें. इसके बाद इसको इनिशियलाइज कैसे करें हम, 2D एरे को इनिशियलाइज करें हम डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम,
ये रोज़ हो गई हमारी, कॉलम हो गई, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ हो गई। जैसे हमने लिखा इंटीजर नंबर, इसके अंदर तीन रो दिए हैं, दो कॉलम दिए हैं, तो या तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से दे सकते हैं, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 × 2 सिक्स, सिक्स वैल्यू हम इसके अंदर एंटर कर देंगे, जिसमें हमारी क्या होंगी, तीन तो रो हो जाएंगे और दो क्या हो जाएंगे इसमें कॉलम होंगे। तो तीन रो होंगी और दो कॉलम, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस टाइप में होगा, तीन रो होंगी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से एक मैट्रिक्स बनेगी। अगर हम इसका साइज नहीं भी डिफाइन करें, वैल्यू हम यहाँ पर इनिशलाइज कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज इनिशलाइज कर देगा कि इसमें कितनी है, तीन रो है और दो कॉलम है। इसका मीनिंग यह है कि रो की जो जीरो जीरो पोजीशन है मैट्रिक्स में, वो वैल्यू आ जाएगी 1। इंडेक्स वैल्यू अगर हम नंबर की बात करें, नंबर जीरो जीरो पोजीशन पर इंडेक्स वैल्यू पे 1 वैल्यू आएगी, नंबर के 0, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ऐसी नंबर का 1, 0 इंडेक्स पर आ जाएगी 3 वैल्यू, नंबर के 1, 1 इंडेक्स पर आ जाएगी 4 वैल्यू, नंबर का 2, 0 इंडेक्स पर आ जाएगी हमारी 5 वैल्यू, और नंबर के 2, 2 इंडेक्स पर आ जाएगी हमारी 6 वैल्यू। तो ये बनी है हमारी 3 × 2 की मैट्रिक्स। अगर आपका जो एग्ज़ाम में, अगर पेपर में यह क्वेश्चन आता है तो इतना बहुत है 10 नंबर के क्वेश्चन में। अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 1D के बारे में एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1D का है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट वन डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन एरे को कैसे रीड करते हैं और कैसे उसको राइट करते हैं, ये हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो हमने इस सी में बनाया है प्रोग्राम। सबसे पहले ये हेडर फाइल्स है हमारी, इंक्लूड studio.h, इसमें हैश एक प्री प्रोसेसर होता है, studio.h ये हेडर फाइल है। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके अंदर मेनली जो फंक्शन डिफाइन होते हैं वो होते हैं printf और scanf। ये दोनों फंक्शन अगर हमें यूज करने हैं तो हमें ये हेडर फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी। दूसरी हमने हेडर फाइल यूज की है conio.h। conio को बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके अंदर जो फंक्शन यूज होते हैं वो होता है हमारा, एक तो क्लियर स्क्रीन होता है और दूसरा हमारा इसमें होता है getch। इसका हम यूज करते हैं इसमें। इसके बाद हमने, ये हमने फंक्शन के अंदर यूज किए हैं दोनों फंक्शन। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, void main। इसके बाद हमने एक एरे बनाया है 10 साइज का, और उसके अंदर आई हमने लिया है केवल सिंगल, या तो रो हम डिफाइन करेंगे या कॉलम। तो आई हमने रो और कॉलम के लिए इसमें डिफाइन किया है, सिंगल रो सिंगल कॉलम। क्लियर स्क्रीन लिया है, एंटर द एरे एलिमेंट। एरे एलिमेंट हमने कितने देने हैं, 0 से 9। तो एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने 0 से 9 तक ले रखा है। तो 0 से 9 टोटल वैल्यू हो जाएंगी 10 i++। इसके बाद हमने इसको स्कैन कर दिया, %d इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट है, अगर ये फ्लोट होता तो %f लिखते हैं यहाँ पर। m% ऑफ a ऑफ i, m% का मतलब है एड्रेस ऑफ i, ai का। इसका एड्रेस वैल्यू हम बताएंगे कि इंडेक्स कौन से इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वैल्यू हमारी स्टोर है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट किया दी एंटर एरे एलिमेंट, जो भी एरे एलिमेंट हमने एंटर किया। उसके बाद फिर से हमने फॉर लूप चलाया है यहाँ पर, और उस वैल्यू को हम प्रिंट कर दिया %d स्लैश एन, इसलिए लिखा है ताकि हमारे वो नेक्स्ट लाइन पे आए, मतलब एक कॉलम प्रिंट हो, रो नहीं हमें कॉलम प्रिंट करेंगे इसमें। ai, और इसके बाद हमने getch लगाया, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया सिंगल डायमेंशन एरे का। ऐसी अगर 2D की बात करें तो 2D में हमें एक रो के लिए लेनी है वैल्यू, फॉर लूप चलाना है, एक कॉलम के लिए फॉर लूप चलाना है। सिंपल हमने क्या किया है, studio.h conio.h void में, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ली है 2 × 2 की, 2 × 2 की मैट्रिक्स ली है, जिसमें i और j दो वेरिएबल हैं। ये हमने लिया है रो के लिए और ये हमारा है कॉलम के लिए। तो क्लियर स्क्रीन, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, इसमें हमने एंटर करने को बोला है एलिमेंट एरे के। सबसे पहले i 0 है, i लेस देन इक्वल टू 1, i प्लस प्लस, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 और 1 तक जाएगी है। तो अगर मैट्रिक्स की बात करें 2 × 2 की, तो इसमें 0, 1 दो रो हैं और दो ही कॉलम भी होंगे, दो कॉलम हैं और दो रो हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, j की वैल्यू भी 0 से 1 तक ली, क्योंकि हमारा कॉलम भी दो हैं और रो भी दो हैं और 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने ये 1 तक लिया हुआ है। 0 और 1 दो वैल्यू हो जाएंगे। scanf %d, ये भी इंटीजर वैल्यू है। m% ऑफ ए आई जे, मतलब स्कैन करा दिया हमने जो भी हमारा एरे एलिमेंट हम लोग इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद हमने प्रिंट एफ किया, एंटर, उसके बाद प्रिंट कराना है हमें इस वैल्यू को, तो ये मैसेज कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर से हम दोनों फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें रो और कॉलम दोनों प्रिंट करनी है। उसके बाद हमने प्रिंट एफ लिखा %d ए ऑफ आई जे। इसके बाद ये फॉर लूप जब कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद हमने स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन लगाया, क्यों, क्योंकि इसमें पहले
कुछ रो प्रिंट हो जानी है, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा नेक्स्ट रो प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा नेक्स्ट रो प्रिंट करेगा अगर हम बहुत सारे इसमें रो और कॉलम दे रहे हैं। इसके बाद हमने स्लैश एन लगा दिया, उसके बाद गेट सी एस, तो ये यहाँ पर हमारा 2D एरे भी कंप्लीट हो गया। ये सिंपल एक एग्जाम्पल है 1D और 2D का। थैंक यू फ्रेंड।